सेठी जी आपसे बात करेंगे और उनके साथ साथ हमारे प्रवक्ता और यहाँ मीडिया सेंटर के इंचार्ज अरुण गुप्ता जी, प्रवक्ता साथी जिया रैना जी और मैं आप सबका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत है। आगे की बात श्री सुनील सेठी जी रखेंगे। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति गरमाई है। आदरणीय गृह मंत्री जी के जम्मू कश्मीर में आने के बाद और संकल्प पत्र रिलीज करने के बाद जिस तरह की हताशा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में देखी जा रही है, वो डर बताता है उनका कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अलायंस हो चाहे वो सिंगल पार्टीज लड़ रही हों, लेकिन वो इतनी डरी हुई हैं, उस डर में जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि राष्ट्र को भी नुकसान होगा और जनता को भी नुकसान होगा। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस की, तो ये स्पष्ट दिखता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डरी हुई है, कांग्रेस भी डरी हुई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस बात करती हैं कि गवर्नमेंट बनाने के लिए वो पीडीपी के साथ भी जाएंगे, और पीडीपी भी ये बात करती है कि अलायंस गवर्नमेंट उनके बगैर नहीं बन सकती, इसका मतलब वो भी किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जब सारी पार्टियां डरी हुई हैं, तो एक ही पार्टी आपको दिखती है जो कहती है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे और अपने दम पे बनाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो ये कहती है कि हमको किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट अपने दम के ऊपर बनाएंगे और राष्ट्र के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम करेंगे। इस कदर डर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के बीच में हो गया कि पिछले दो तीन दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट दो घटनाएं हुई। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने यकदम अपनी स्टेटमेंट्स देनी चेंज कर दी। पहले तो हमने सवाल उठाया कि आप तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे और अब लड़ रहे हो, तो दो जगह से लड़ते हो क्योंकि आपका तो डर बैठा हुआ है कि आप एक जगह से जीत भी नहीं सकते। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर उनके बयान को देखें तो उमर अब्दुल्ला साहब अब ये कहना शुरू कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए और उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट बंदों को सपोर्ट कर रही है, उनके खिलाफ कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ। ये उनके अंदर बैठा हुआ डर बोल रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब को रियलाइजेशन हो गई कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रही है और उस हार को बताने के लिए कि हार की वजह यह है कि बीजेपी सपोर्ट करती है इंडिपेंडेंट को, यह एक बैकग्राउंड बनाई जा रही है ताकि हारने के बाद ठीकरा जो है वो किसके सर पे फोड़ा जाए। तो उमर अब्दुल्ला साहब का डर बोल रहा है जो ये कहता है कि इंडिपेंडेंट उनके खिलाफ मजबूत हो गए, जो लोकल पार्टीज हैं कश्मीर की, कुछ ग्रुप्स हैं वो उनके खिलाफ मजबूत हो गए। असल में वो जानते हैं कि कश्मीर की धरती में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। अगर उनकी जनसभाओं को देखें तो उन जनसभाओं में कितनी गिरावट आई है लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन से भी। इसी डर की वजह से और लोगों का ध्यान सही मुद्दों से हटाने के लिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अफजल गुरु का मुद्दा भी उठाया। यह बड़ी हैरानगी की बात है कि एक ऐसा आदमी जो जम्मू कश्मीर रियासत का चीफ मिनिस्टर रहा है, उसको कानून की इतनी समझ भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछा नहीं जाता है किसी को फांसी की सजा हो जाए उसके बाद उसको सजा देने के लिए। तो अफजल गुरु के नाम पे राजनीति करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब आप इस हद तक चले गए कि देश की सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने जिस आदमी को सजा जिसकी रखी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसको फांसी दी गई, और ऐसा आदमी जो इन्वॉल्व था टेररिस्ट अटैक पार्लियामेंट पे करवाने के लिए, अब उसके नाम के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीति करेगी। यह पूरी हताशा में ली गई एक पॉलिसी डिसीजन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि आपके पास मुद्दे खत्म हो गए, आपने मैनिफेस्टो इशू किया और उस मैनिफेस्टो के ऊपर बात करना बंद कर दी। क्यों उमर अब्दुल्ला साहब अपने मैनिफेस्टो के ऊपर बात नहीं करते? क्यों लोगों के बीच में जाके जो है वो मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा नहीं होती कि हम आपके लिए ये करेंगे? अब चर्चा ये हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए इंडिपेंडेंट लोग सामने आ रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। बयानबाजी ये होती है कि अफजल गुरु जो है उसको फांसी की सजा उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट होती तो मंजूर नहीं करती। हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये हताशा बढ़ेगी ही, और इस तरह से और भी बयानबाजी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से भी होगी और पीडीपी की तरफ से भी होगी कि जिससे लोगों को उकसाया जाए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज भूल चुकी हैं कि जम्मू और खासकर कश्मीर के लोगों ने अब शांति देखी है। ये जो बयानबाजी अशांति की तरफ लेके जाएंगे जम्मू कश्मीर को, अब जनता इनके साथ खड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर कश्मीर की जनता को कहेंगे कि आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के हिडन एजेंडा को समझिए। इन पार्टीज का हिडन एजेंडा सिर्फ ये है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत कैसे करें, अलगाववादी ताकतों को मजबूत कैसे करें और लोगों को गुमराह कैसे करें। वरना इलेक्शन के दिनों में एक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा दी गई उसके बारे में बयान दे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। और इसी कड़ी में आप देखिए, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता जो सरपंच भी रहे गांधरबल से, गनई साहब, वो बयान देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्लैग की जो बेइज्जती करेगा हम उसका कत्ल कर देंगे। ये क्या राजनीतिक पार्टियों की लाइन है? ये राजनीतिक पार्टी को क्या शोभा देता है इस तरह से लफ्ज इस्तेमाल करना कि लोगों के कत्ल कर देंगे? ये काम तो आप लोगों ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस ने हमेशा से यह किया, जो आवाज उनके विरोध में उठी, जो लोग उनसे सहमत नहीं हुए, जिन लोगों ने राष्ट्र की मेन विचारधारा के साथ चलने की कोशिश की, जो राष्ट्रवादी ताकतें थी जम्मू कश्मीर में, हमेशा से ही उनका कत्ल किया गया। लेकिन इलेक्शन के दौरान एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा नेता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहे, जो उमर अब्दुल्ला जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लोगों को डराने की बात करें कि हम आप लोगों का कत्ल कर देंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के साथ आप नहीं चलते हो। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है और यह कांग्रेस की सोच है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठी है। जम्मू की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि यह राजनीतिक अलायंस जम्मू कश्मीर में सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, जिनके नेतागण खुली धमकी देते हैं लोगों को, कत्ल होने की धमकी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट करेगी कि इसका संज्ञान लिया जाए। यह खाली स्टेटमेंट गनई की नहीं है, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस असेंबली सेगमेंट में एक दी हुई स्टेटमेंट है जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं गांधरबल से। अगर उमर अब्दुल्ला ये धमकी खुद नहीं देता लेकिन अपनी असेंबली सेगमेंट में अपने एक नेता से ये धमकी दिलवाता है, तो ये धमकी जो है ये उमर अब्दुल्ला की दी हुई धमकी ही मानी जाएगी।
और इसका संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि उमर अब्दुल्ला का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए इसी बात के ऊपर कि उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हीं का एक बड़ा नेता लोगों को कत्ल करने की धमकी देता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो हम हर उस आदमी का स्वागत करते हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। ये डेमोक्रेसी है। हमारे से जो विरोधी विचारधारा रखते हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप आइए जनता के बीच में काम कीजिए। जिसको जनता पसंद करेगी वो सत्ता के ऊपर बैठेगा, जिसको पसंद नहीं करेगी वो अपोजिशन में बैठेगा, घर में बैठेगा। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी में कि जो हमारे साथ नहीं है हम उनका कत्ल करवा देंगे। ये हमारी सोच नहीं है। तो इसके बारे में जनता को ये विचार करना पड़ेगा कि किस तरह की राजनीतिक ताकतों को जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है। उन ताकतों को क्या हम मजबूर करेंगे? उनकी मजबूती चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो खुले तौर के ऊपर आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी उनकी सपोर्ट करने वाली पार्टीज को, ऐसी पार्टियां जो धमकियां देती हैं कि हम कत्ल करेंगे लोगों का, ऐसी पार्टियां जो जेलों में बंद कैदियों को छुड़वाना चाहते हैं। और इसको जोड़ के देखिए, एक तरफ से बात होती है कि जेल में बंद कैदियों को छुड़वाएंगे और दूसरी तरफ बात होती है कि जो हमारे खिलाफ या हमारे साथ नहीं चलेगा उसका हम कत्ल करवाएंगे। और यह भी याद रखिए कि पहले होम मिनिस्टर सजाद किचलू साहब ने किश्तवाड़ में क्या बयान दिया, समाज के एक वर्ग को धमकाने का बयान दिया। आप जेलों से कैदियों को निकालना चाहते हो, आतंकवादियों के हक में स्टेटमेंट देना चाहते हो और उसके बाद आप लोगों को धमकी भी देते हो। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज किन के इशारों पे नाच रही हैं? कौन सी फोर्सेस हैं इनके धागे खींच रही हैं? ये राजनीतिक कठपुतलियां हैं जिनके धागे, जिनकी डोर भारत के बाहर से चलाई जा रही है। इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को एक्सपोज करना ही भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को एक साफ सुथरी गवर्नमेंट मिले जो जनता के लिए काम करने के लिए अग्रसर हो। और वो काम जिसका हमने जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया वो सभी तमाम काम लोगों के हित के हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी अगर कहीं बयान देती है तो बयान ये दे रही है कि मैनिफेस्टो हमारा ये है, इस मैनिफेस्टो के हिसाब से हम काम करेंगे, समाज के हर वर्ग को इंसाफ मिलेगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो इश्यू होने के बाद मैनिफेस्टो को भूल गई और सिर्फ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी खत्म हो गई। अब बयानबाजी यह है कि मिलिटेंसी का रिवाइवल कैसे होगा, जो हमारे विरुद्ध आवाजें उठाते हैं उनको खामोश कैसे किया जाएगा, कैसे लोगों को धमकाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है, जब बाकी सब पार्टीज डरी हुई हैं लोगों की मंशाओं को समझते हुए कि जनता उनके साथ नहीं है और हताशा में इस तरह से बयान दिए जाते हैं कि हम अलायंस बना के गवर्नमेंट चला लेंगे, हम दूसरी पॉलिटिकल विचारधाराओं के साथ भी बैठ के गवर्नमेंट बना लेंगे, वो नहीं चला तो हम डराएंगे धमकाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर के ऊपर जिस तरह से हमको जनता का समर्थन मिल रहा है व्यापक तौर के ऊपर जम्मू में और काफी हद तक कश्मीर में भी, भारतीय जनता पार्टी अपने दम के ऊपर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में, पहली गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि कश्मीर में भी हम अपने दम के ऊपर डबल फिगर में पहुंचेंगे ही और जम्मू में ऑलमोस्ट सारी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। और
आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का अच्छा विकास हो। देखिए इंडिपेंडेंट जो कश्मीर में लड़ रहे हैं वो अपने दम पे लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और उन सभी कैंडिडेट्स को जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं वहां पे हमारे कैंडिडेट्स सशक्त हैं। मैं इसलिए आश्वस्त हूं कि कश्मीर में हम डबल फिगर में पहुंचेंगे। हालांकि हम सभी सीट्स पे नहीं लड़ रहे हैं लेकिन अपने आत्मविश्वास को जानते हैं, अपनी ताकत को भी पहचानते हैं। ये सब कोरी पॉलिटिकल अफवाहें हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे काम नहीं करती। अगर हमने किसी को सपोर्ट करना होगा तो सामने आके कहेंगे कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। सेठी साहब, जिस तरह से पहले चरण की बात करें वहाँ पे 16 सीटें हैं कश्मीर वैली में, वहाँ पे सिर्फ 8 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या कारण है? क्या आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिला? क्या और मजबूरी है, क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों वर्कर्स कश्मीर घाटी में हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेंथ को देखती हैं और उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से फैसला करती हैं कि कहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और कहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। हमने अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो कंसंट्रेटेड रखा है। जो मेरा फोकस है उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर जिसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे उसी पे कंसंट्रेट करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको कश्मीर में जितनी सीटें चाहिए अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर में उतनी सीटें हम कंफर्टेबली जीत जाए। अमर दुल्ला का एक बयान आया सर, उनका कहना, ये बड़ा पॉलिटिकल बड़ा खतरनाक बयान है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में आती है तो ये यूपी के बाद जो है जम्मू कश्मीर में भी अपना बुलडोजर चलाएगी, क्या कहेंगे इनके बयान पे, अमर दुल्ला के बयान पे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो ये इंश्योर करेगी कि हर आदमी के साथ इंसाफ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी कि वो लोग जिन्होंने जनता के खिलाफ काम किए, जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम एक वाइट पेपर लेके आएंगे कि टेररिस्ट एट्रोसिटीज के लिए कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाएंगे, उनका इंसाफ भी करेंगे। अब जो उन्होंने जनता को लूटा है वो ये चाहेंगे कि उनको कोई पॉलिटिकल जो है वो कवरेज मिलनी चाहिए, उनको कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए कि इंश्योरेंस हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, तो वो नहीं होगी। अगर आपने गलत काम किया है तो आपको डरने की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो उसको बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि सारे का सारा तंत्र जो है उसकी सपोर्ट में ही रहेगा। पार्टी इसके बारे में विचार करेगी, इसके बारे में जो पॉलिटिकल ऑप्शंस, जो लीगल ऑप्शंस भी हैं वो उसके ऊपर हम विचार करेंगे। ये बड़ा एक सीरियस और संगीन एक सिचुएशन बनी है कि जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में ही उनकी पार्टी का कोई छोटा वर्कर नहीं है, सरपंच रहा है, उसने बयान दिया है कि जो हमारे झंडे के साथ नहीं चलेंगे हम उसका कत्ल कर देंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम बात करेंगे ही और इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न ने की है, लेकिन पार्टी भी इसके बारे में चिंता करेगी। शुक्रिया सर।